हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग ई कोचिंग। दिस इज़ वीडियो ऑन एम्स मंगलागिरी स्टाफ नर्स पेपर 2018। दिस इज़ पार्ट वन। इन दिस वीडियो वी कवर 1 to 25 क्वेश्चंस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ब्रोक्सन हिक्स कॉन्ट्र हिक्स आर ब्रोक्सटन हिक्स आर ये क्या है? ऑप्शन ए आई कॉन्ट्रैक्शंस, बी एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस, सी मसल कॉन्ट्रैक्शन, डी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। आंसर इज डी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। ग्रेव डिजीज क्या है? ऑप्शन ए हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन बी पिट्यूटरीज्म, ऑप्शन सी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी हाइपोथायरॉयडिज्म। आंसर इज ऑप्शन ए हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। ए फंक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट इज नर्सिंग मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है इनमें से? ऑप्शन ए नेटवर्किंग, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी प्लानिंग, ऑप्शन डी हायरार्की। आंसर इज ऑप्शन सी प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा एक जो है हेल्थ डायमेंशन नहीं है? तीन है। ऑप्शन ए फाइनेंशियल, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी सोशल, ऑप्शन डी फिजिकल। आंसर इज ऑप्शन ए फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जो है हेल्थ का डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इनमें से? ऑप्शन ए सर्विस प्लस एजुकेशन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी डाटा प्लस नॉलेज प्लस इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी एविडेंस प्लस प्रैक्टिस प्लस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी कंप्यूटर प्लस साइंस प्लस वर्क। आंसर इज सो बेसिक कॉन्सेप्ट है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के डाटा नॉलेज इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। ए फीडिंग प्रॉब्लम अमंग इन्फेंट्स। इनमें से कौन सी फीडिंग प्रॉब्लम है इन्फेंट के अंदर? ऑप्शन ए चोकिंग, ऑप्शन बी हिस्कप, ऑप्शन सी एस्पायरेशन, ऑप्शन डी रिगर्जिटेशन। आंसर इज ऑप्शन डी रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। व्हेन ए पेशेंट टेल द नर्स दैट ही इज कूल टू अंडरगो सर्जरी विथ हिज बॉडी रिजिड एंड शार्प वॉइस, ए नर्स कैन इंटरप्रेट दैट ही इज एंजियस एज एविडेंस बाय द बॉडी लैंग्वेज, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड हियर? एक पेशेंट है, वो सर्जरी करने से पहले क्या होता है, एक नर्स उसमें नोट करती है कि वो एनजीएस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसको एविडेंस मिलता है, तो इसमें नर्स क्या कम्युनिकेशन यूज करेगी? ऑप्शन ए मेटा कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। आंसर इज ए मेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। माल प्रैक्टिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माल प्रैक्टिस इनमें से किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए अन इंटेंशनल टॉल्ट, ऑप्शन बी एसोल्ट, ऑप्शन सी बैटरिंग, ऑप्शन डी इंटेंशनल टॉर्ट्स। आंसर इज ए अन इंटेंशनल टॉर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टोसिया क्या है? ऑप्शन ए अबॉर्शन, ऑप्शन बी नॉर्मल लेबर, ऑप्शन सी अबनॉर्मल लेबर, ऑप्शन डी सिजेरियन सेक्शन। सो डिस्टोसिया किसको बोलते हैं? अबनॉर्मल लेबर को। आंसर इज सी। एंड नॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं? यूटोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कंपेराइज ऑफ, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इनमें क्या होता है थर्ड स्टेज में? ऑप्शन ए डिलीवरिंग ऑफ फिटस, ऑप्शन बी इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन सी प्लेसेंटल सेपरेशन, ऑप्शन डी डिसेंट ऑफ फिटस। आंसर इज प्लेसेंटल सेपरेशन। थर्ड स्टेज में क्या होता है? प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है। और डिलीवरी ऑफ फिटस किस में होता है? सेकंड स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई 8 रिस्क इन्फेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा 8 रिस्क है इन्फेंट के अंदर? इन्फेंट विथ डायरिया, ऑप्शन बी माल नरिश्ड बेबी, ऑप्शन सी लो बर्थ वेट बेबी, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम बेबी। आंसर इज लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शनल एनालिसिस व्हाट आर द 3 मेन ईगो स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शनल एनालिसिस व्हाट आर द 3 मेन ईगो स्टेट्स, इनमें से कौन से 3 मेन ईगो स्टेट्स हैं ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के अंदर के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए आईडी ईगो सुपर ईगो, ऑप्शन बी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नॉर्मल कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी पेरेंट एडल्ट चाइल्ड, ऑप्शन डी ब्लाइंड हिडन अननोन। आंसर इज ऑप्शन सी पेरेंट एडल्ट चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रोसियस टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए प्रोजेक्टिव टेक्निक, ऑप्शन बी फील्ड नोट, ऑप्शन सी बायोफिजियोलॉजिक मेजरमेंट, ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन टेक्निक। आंसर इज ऑप्शन ए प्रोजेक्टिव टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कैपेसिटी ऑफ ए माइक्रोब टू कॉज डिजीज इज नोन, ऑप्शन ए पैथोजेनिसिटी, ऑप्शन बी वायरलेंस, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी इम्यूनिटी। जो माइक्रोब की कैपेसिटी है डिजीज कॉज करने की उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एन आइटम विच कैन बी इंक्लूडेड इन ए आइटम इन ए बी सी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर ए बी सी एनालिसिस होती है, इनमें से ए आइटम कौन सा है? ऑप्शन ए गोज बंडल, ऑप्शन बी सीरिंज एंड नीडल्स, ऑप्शन सी एमआरआई मशीन्स, ऑप्शन डी बेड लाइन। आंसर इज एमआरआई मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग इज, अभी जो है करंटली INC का प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन ए मिसिज के एस भारती, ऑप्शन बी डॉक्टर टी दिलीप कुमार, ऑप्शन सी मिसिज रंजीत कौर, ऑप्शन डी डॉक्टर आशा शर्मा। आंसर इज बी डॉक्टर टी दिलीप कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ए स्ट्रक्चर विच इज इन डर्मिस लेयर ऑफ स्किन इज, डर्मिस लेयर के अंदर इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ऑप्शन ए पेपिले, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस फैट, ऑप्शन सी स्वेट ग्लैंड, ऑप्शन डी मिलानिन। आंसर इज ऑप्शन सी स्वेट ग्लैंड जो होती है डर्मिस लेयर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ए क्लिनिकल साइन ऑफ इम्पेंडिंग डेथ इज, इम्पेंडिंग डेथ का क्लिनिकल साइन इनमें से क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीज मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन बी इंक्रीज मसल टोन, ऑप्शन सी वरिंग, ऑप्शन डी
साइन स्ट्रोक रेस्पायरेशन? आंसर इज साइनिक स्ट्रोक स्ट्रोक रेस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, पॉजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी इज ए, पीईटी जो टेस्ट होता है वो क्या है? ऑप्शन ए न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, ऑप्शन बी न्यूरो एंडोक्राइन टेस्ट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट, ऑप्शन डी ब्रेन इमेजिंग टेस्ट। आंसर इज ब्रेन इमेजिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हु डेवलप द मेथड ऑफ पेस्चुराइजेशन टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय बैक्टीरिया? किसने डेवलप किया था पेस्चुराइजेशन मेथड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय बैक्टीरिया, जो फूड को बैक्टीरिया स्पॉइलाइज करता है? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुइस पाश्चर, ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। आंसर इज लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर है, उन्होंने पेस्चुराइजेशन का मेथड डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इन विच डिजीज कंडीशन ए बूट शेप हार्ट इज सीन इन चेस्ट एक्सरे? इनमें से कौन सी कंडीशन में चेस्ट एक्सरे में बूट शेप हार्ट दिखाई देगा? ऑप्शन ए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस, ऑप्शन बी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ऑप्शन सी ट्राइकस्पिड आर्ट्रियास, ऑप्शन डी टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। आंसर इज टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में जो है बूट शेप हार्ट सीन होगा चेस्ट एक्सरे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन नर्सिंग प्रैक्टिस नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स कैन बी अप्लाइड इन? ऑप्शन ए डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन बी कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, ऑप्शन डी लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर इज ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ए बेटर मेथड ऑफ टीचिंग इंट्रावेनस कैनुलेशन इज? इनमें से कौन सा बेटर मेथड है टीचिंग के लिए आईवी कैनुलेशन के लिए? ऑप्शन ए डिस्कशन, ऑप्शन बी डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन सी लेक्चर, ऑप्शन डी सेमिनार। आंसर इज डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, आउट ऑफ द फॉलोइंग द बोनी लेब्रिंथ ऑफ इनर ईयर कंसिस्ट? ऑप्शन ए ऑडिटरी ओसिकल्स, ऑप्शन बी ऑडिटरी कैनाल, ऑप्शन सी कोकिला, ऑप्शन डी पिना। आंसर इज कोकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एन एग्जाम्पल फॉर सिस्मोइड बोन इज? इनमें से कौन सी सिस्मोइड बोन होती है? ऑप्शन ए पटेला, ऑप्शन बी रिब्स, ऑप्शन सी कार्पल्स, ऑप्शन डी स्टर्नम। आंसर इज पटेला। जो पटेला होती है वो सिस्मोइड बोन कहलाती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल।